बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोग पाठ 3 भारत रत्न सचिन का आधा भाग पढ़े थे। अब आगे पढ़ेंगे। सचिन आज क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। एक दिवसीय मैचों में दोहरा शतक लगाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाला इस बेमिसाल खिलाड़ी की विनम्रता का भी संपूर्ण विश्व कायल है। दोहरा शतक लगाने के बाद दिया गया यह वक्तव्य, मैं अपना दोहरा शतक भारत की जनता को समर्पित करता हूँ, जो पिछले 20 वर्ष से मेरे साथ है, उनकी महानता का एक और उदाहरण है। बच्चों, सचिन क्रिकेट के जगत के महान खिलाड़ी थे, इसलिए उन्हें कुछ लोग क्रिकेट जगत का भगवान भी कहने लगे थे। एक दिवसीय में दोहरा शतक मारने वाला ऐसा कीर्तिमान और रिकॉर्ड बनाने वाला और नरम दिल वाले खिलाड़ी को पूरा संसार चाहता है। और दोहरा शतक लगाने के बाद जनता से बोला, मेरा यह शतक भारत की जनता को भेंट और या मैं उनको सौंपता हूँ। पिछले 20 वर्ष से जो मेरे साथ हैं, उनकी महानता का भी यह एक नमूना है। उन्होंने 14 वर्ष की आयु में स्कूल में 5 पारियों में 1028 रन बनाए और वह भी 4 पारियों में नाबाद रहकर 17 वर्ष की आयु में उन्होंने टीम को तयशुदा हार से बचाते हुए शतक जमाया। एक के बाद एक चौके लगाने के बावजूद वे इस बात से हैरत में थे कि लोग मेरे खेल को लेकर इतने आश्चर्यचकित क्यों हैं। 18 वर्ष से भी कम उम्र में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने के बाद साथी बल्लेबाज को बताया कि गाली गलौज का जवाब देंगे। इसके जरिए उन्होंने पहली बार संकेत दिया कि वे अपने जीवन में सिर्फ बल्ले से ही प्रतिक्रिया जताएंगे। मतलब बच्चों, ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने के बाद जो उनके साथियों ने कहा कि गाली गलौज का जवाब, साथियों से कहा कि गाली गलौज का जवाब तो देंगे, लेकिन वह पहली बार संकेत इशारा करते हुए कहा कि वह अपने जीवन में केवल मुंह से जवाब देने की बजाय अब खेल के मैदान में अपने बल्ले से जवाब देंगे। 21 वर्ष से भी कम उम्र में उनके नाम 7 टेस्ट शतक हो गए। मतलब 21 वर्ष से भी कम उम्र के से भी कम उनके नाम 7 टेस्ट शतक हो गए। इतनी उम्र में तो अन्य क्रिकेटर, मतलब अन्य क्रिकेटर जो खिलाड़ी होते सोचते हैं कि अब मैं टेस्ट खेलने लायक हुआ हूँ, और वो इतने कम उम्र में 7 टेस्ट शतक हो गए। सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में हुआ। इनके पिता श्री रमेश तेंदुलकर मराठी के कथाकार थे। उन्होंने अपने बेटे का नाम प्रसिद्ध संगीतकार सचिन देव क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित किया, सचिन देव वर्मन के नाम पर रखा था। सचिन के बड़े भाई अजीत ने इन्हें क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित किया था। क्रिकेट खेलने के लिए सचिन को कौन प्रेरित किया था, कौन उत्साह बढ़ावा दिया था? उनके बड़े भाई अजीत। सचिन का सपना एक तेज गेंदबाज बनने का था। इसके लिए उन्होंने चेन्नई की विश्व स्तरीय MRF एकेडमी में दाखिला लिया, मतलब प्रवेश लिया, पर वहाँ से के प्रसिद्ध तेज गेंदबाज डेनिस लिली ने उन्हें सिर्फ बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करने को कहा, मतलब सिर्फ बल्लेबाज पर ही ध्यान रखने को कहा। उनका यह परामर्श इतना सही था, यह आज पता चलता है। सचिन की क्रिकेट यात्रा तब आरंभ हुई जब सचिन के भाई ने उन्हें प्रख्यात, मतलब प्रसिद्ध कोच रमाकांत अचरेकर से मिलवाया। आरंभ में मिली असफलता, मतलब शुरुआत में उन्हें कुछ हारना भी पड़ा, कुछ हार भी हासिल हुई, सचिन निराश हो जाते थे, उदास हो जाते थे, पर कोच ने उन्हें पूर्ण क्रिकेट सीखने का मौका दिया, पर कोच उन्हें सपोर्ट किया तो उन्हें पुनः
फिर से क्रिकेट सीखने का अवसर दिया। सचिन ने शारदा आश्रम विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ाई की और वह कोच अचरेकर की देखरेख में अपना क्रिकेट का सफर आरंभ किया। अपने स्कूल की ओर से खेलते हुए उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी विनोद कांबली के साथ 664 रनों की रिकॉर्ड भागीदारी की। 1988-89 में उन्होंने अपने प्रथम श्रेणी की मैच में 100 रनों की नाबाद पारी खेली। यह पारी उन्होंने गुजरात के खिलाफ मुंबई की तरफ से खेलते हुए 15 वर्ष की आयु में खेली। जब सचिन मैदान पर होते थे तब पूरा क्रिकेट स्टेडियम शांत हो जाता था। जब सचिन मैदान पर में खेलने के लिए जाते थे तब पूरा क्या क्रिकेट का स्टेडियम चुप शांत हो जाता था। सभी का ध्यान सचिन के खेल पर केंद्रित हो जाता था। सबका ध्यान सचिन के खेलने पर ध्यान चला जाता था, स्थिर हो जाता था। सचिन ने सभी तरह के मैदानों पर और सभी प्रकार के वातावरण में क्रिकेट खेल खेला है। मतलब हर परिस्थितियों में वो खेल के मैदान में खेले हैं। उन्होंने सभी तरह के गेंदबाजों के आक्रमणों की धज्जियां उड़ाई है। वह कैसा भी गेंद हो सबको हराया है। एक बार ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध लेग स्पिनर शेन वॉर्न ने कहा था कि मुझे तो अपने सपने में भी सचिन नज़र आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक प्रसिद्ध लेग स्पिनर शेन वॉर्न ने कहा कि सचिन तो मुझे सपने में भी नज़र आते हैं। सचिन का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सफ़र 1989 में कराची टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हुआ। वहां उनका मुकाबला वसीम अकरम, इमरान खान, अब्दुल कादिर और वकार यूनुस और विश्व स्तरीय गेंदबाजों से हुआ। उस समय सचिन की उम्र 16 वर्ष से भी कम थी। वे सबसे कम उम्र में टेस्ट मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बने। फैसलाबाद में उन्होंने अपना प्रथम अर्धशतक बनाया। सचिन ने अपना पहला टेस्ट शतक 119 रन इंग्लैंड के विरुद्ध ओल्ड ट्रेफर्ड के मैदान पर बनाया। 1992 का वर्ष सचिन के लिए अच्छा रहा। सिडनी टेस्ट में सचिन ने दर्शकों का मनोरंजन करते हुए नवाद 148 रन बनाए। अगले टेस्ट मैच में उन्होंने शानदार 114 रन बनाए। 19 वर्ष की आयु में 1000 टेस्ट रन पूरे करने का कीर्तिमान भी उनके नाम बना, मतलब रिकॉर्ड बना। 1997 में सचिन को विश्व प्रसिद्ध पुस्तक विसर्डन के नाम पर क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। ICC द्वारा वर्ष 2010 के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और पीपल्स चॉइस अवार्ड की ट्रॉफी प्रदान किए जाने और भारतीय वायुसेना में मानद ग्रुप कैप्टन बनने से पूर्व सचिन अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न, पद्मश्री, महाराष्ट्र भूषण, पद्म विभूषण, पॉली उमरीगर सम्मान आदि से सम्मानित किए जा चुके थे। वर्ष 2012 में ऑस्ट्रेलियन सरकार ने उन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया की मानद सदस्यता और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की। राष्ट्रपति ने 28 अप्रैल 2012 को सचिन को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया, मतलब सदस्य बनाया, और 4 जून 2012 को उन्होंने शपथ लेकर राजनीति की पीठ पर एक नई
पारी की शुरुआत की, मतलब नया कार्य का शुरुआत किया। वर्ष 2013 में भारतीय डाक सेवा विभाग ने सचिन तेंदुलकर पर एक डाक टिकट जारी किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष डेव रिचर्डसन के अनुसार वे स्पोर्टिंग जीनियस हैं। स्पोर्टिंग जीनियस सचिन ऐसे ही दुर्लभ क्रिकेटर हैं और हम खुद को सम्मानित महसूस करते हैं कि हमने उन्हें खेलते हुए देखा। सचिन जैसा महान क्रिकेट खिलाड़ी को देखना बहुत कठिन है। उन्हें खेलते हुए देखकर मैं अपने आप को सम्मानित समझता हूँ। 16 नवंबर को एक ओर सचिन अपने 24 वर्ष लंबे क्रिकेट जीवन से संन्यास लेकर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित विदाई समारोह में भीगी पलकों, मतलब आंसू गिर रहे थे उनके आंखों से, अपने परिवार, कोच, मित्रों, साथियों और दुनिया भर के प्रशंसकों को धन्यवाद दे रहे थे, तो दूसरी ओर उन्हें भारत रत्न से अलंकृत करने की घोषणा की, मतलब भारत रत्न से उन्हें सम्मानित करने की घोषणा की जा रही थी। यह सम्मान उन्हें राष्ट्रपति द्वारा 4 फरवरी 2014 को प्रदान किया गया। सचिन का पारिवारिक जीवन सफलतापूर्वक चल रहा है। उनकी पत्नी अंजलि मेहता पेशे से डॉक्टर हैं। सचिन का एक पुत्र अर्जुन है, उनकी एक पुत्री सारा है। सचिन मुंबई में स्थापित एक संस्था के माध्यम से 200 निर्धन, मतलब गरीब छात्र छात्राओं की पढ़ाई का खर्चा आयोजित करते हैं, आयोजित करते हैं। यह काम वे गुप्त ढंग से, मतलब छुपा के करते हैं और प्रचार से दूर रहते हैं। सचिन धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, वे साईं बाबा के भक्त हैं तथा गणेश चतुर्थी बड़े उत्साह से मनाते हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व बहुत धूमधाम से, बहुत आनंद से मनाते हैं। उन्हें शांति प्रिय संगीत सुनने का शौक है। जब तक सचिन की क्रिकेट की पारी जारी रही, उनका भारतीय टीम में होना मात्र ही विपक्षी टीम पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए पर्याप्त था। जब तक सचिन तेंदुलकर भारतीय टीम में रहते थे, तब तक भारतीय टीम में विपक्षी टीम पर दबाव बनाने के लिए काफ़ी था। वे समय समय पर अपने कप्तान को भी बहुमूल्य परामर्श देते थे। वह समय समय पर अपने कप्तान को अपनी राय और अपनी सलाह देते थे। क्रिकेट के खिलाड़ियों को उन्होंने 5 परामर्श दिए। उन्होंने क्रिकेट के खिलाड़ियों को 5 सलाह दिए। कौन कौन से हैं? एकाग्रता, दूसरा है निरंतर अभ्यास। एकाग्रता में ध्यान केंद्रित करना, एक ही चीज पे दम ध्यान रखना। निरंतर अभ्यास करना। खेल की समझ, खेल कौशल में सुधार, जो भी आपके खेल में जो भी गलतियां होती है उसको सुधारने के लिए। आत्मविश्वास, अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखना। उनका यह भी कहना है कि क्रिकेट या अन्य किसी भी खेल को कोई यह सोच कर खेलना शुरू ना करे कि उसे अपना पेशा बनाना है। उस पेशा मीन्स व्यवसाय बनाना है। भारत अपने इस सार्वकालिक महान क्रिकेटर की उपलब्धियों पर गौरवान्वित है। बच्चों, इस पाठ को आप लोग अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए, इसके कठिन शब्दों को लिखिए। धन्यवाद।